लॉकडाउन के बीच जमीनी विवाद के चलते फरीदाबाद गांव अनंगपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा कहासुनी से शुरू हुआ। दोनों पक्षों के बीच इसी विवाद को लेकर झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट से वार किया और उनके परिवार वालों के आभूषण भी दबोच लिए। युवकों ने लोहे की जंजीर और लात घूंसे से हमला भी किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक दूसरे के साथ मारपीट करते युवक नजर आ रहे हैं। आनंद फानंद में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर सूरजकुंड थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं मिस्त्रियों को वे द्वार दिखाने गया था, कहने लगा यहाँ द्वार चिनाई हुए नहीं होगी। छोटा लड़का आया, मैं इनकी पहले तो ईटा मारी मेरे पैर में, फिर जाएगा चैन मारी, जिसके छोटे लड़के ने बड़े लड़के दोनों कूद गए मुझे, फिर ऋषि ने पीछे से ईटा मारी, दोनों ने चारों ने तीनों ने पकड़ लिया मैं पीछे से। परिवार के ये जनाब, ये लोग परिवार के ही है, पीछे से मकान में तरेर कर दी सफ़ेद, उनके को मैं सफ़ेदी करवा रहा, वो मंजूर भेजा जनाब मैंने, भैया इसकी दराज भर दे और सफ़ेद कर, उस मंजूर गेट तक पहुँचा, उसके तो ये लौंडा के जब मारने को उतना शुरू कर दिया। और हमने कि भाई हमें तेरी ज़मीन पर हम कब्जा नहीं कर रहे, चाहे नहीं हमारी पे कब्जा कर रखा है, हम तो अपनी ज़मीन की अपनी मकान की रिपेयर करवा रहे हैं, भाई ऐसा मत करे, दबंग है, हथियार रखता है, उसका एक जवाई वकील है और झूठा मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, इस पर 420 का 3 दफ़ा लग रही है उसमें। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।